उसमें उनका योगदान रहा है। उन युवा विधायकों को ये पुरस्कार यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच से हम प्रतिवर्ष प्रदान करते हैं और आदर्श युवा विधायक का पुरस्कार में इस बार इस सेशन में जो नाम हम यहाँ घोषित करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर राजीव सैजल, कसौली सोलन हिमाचल प्रदेश से भाजपा के आप एमएलए हैं, जिन्हें इस वर्ष ये आदर्श युवा विधायक का पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। आपकी तालियों के बीच उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी, डॉक्टर राजीव सैजल, कसौली सोलन हिमाचल प्रदेश से युवा विधायक भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें मंच पर हम आमंत्रित करना चाहेंगे इस पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए। आप नेता के साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन के डॉक्टर हैं, आपने उसमें पढ़ाई की, आपने कॉलेज से ही लेकिन राजनीति में शिक्षा ली है और जिस प्रकार से अपनी चुनावी जीत को दर्ज कराया है वो अपने आप में बहुत अनोखी, दो बार चुनाव लड़ा, जीते और बीजेपी के नेशनल काउंसिल के भी सदस्य हैं। आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, आदर्श युवा विधायक पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है कसौली सोलन हिमाचल प्रदेश के युवा विधायक, जिन्हें राजनीति के साथ साथ ट्रैवलिंग, म्यूजिक और किताबें पढ़ने का भी बेहद शौक है। आपकी तालियों के बीच हमारे युवा छात्र नेताओं के लिए एक आइडल, एक युवा सिंबल जो कि राजनीति में आना चाहते हैं, आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे युवा छात्र नेताओं को, डॉक्टर राजीव सैजल। सर्वप्रथम मैं आयोजकों का अपने हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस गौरवपूर्ण क्षण के लिए, विशेष तौर से कराड़ साहब का जिन्होंने ये अवसर मुझे उपलब्ध करवाया। मित्रों, राजनीति इतनी बुरी नहीं है जितना उसे समझा जाने लगा है। राजनीति में भी अच्छे लोग हैं, ये बात अलग है। राजनीति में जो बुराई है उसको पब्लिसिटी ज्यादा मिली है, उसका प्रचार और प्रसार ज्यादा हुआ है, इसलिए लगने लगा है, ये धारणा बन गई है कि राजनीतिक क्षेत्र अच्छा नहीं है, इसलिए धारणा को बदलना होगा। अच्छे लोग जब राजनीति के अंदर आएंगे, युवा लोग नए सोच नए विजन के साथ जब राजनीति के अंदर आएंगे तो निश्चित तौर से ये क्षेत्र भी अच्छा हो जाएगा। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप इस क्षेत्र की ओर अपने कदम बढ़ाएं। जिस भावना के साथ आपको इस क्षेत्र की ओर कदम बढ़ाना है वो भावना बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो भावना क्या है? भावना गांव और गरीब की सेवा। प्रधानमंत्री जी ने आदर्श दे दिया कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं इस देश का प्रधान सेवक हूं। राजनीति में आने के बाद मेरे बड़े बड़े कारखाने हो जाएं, मेरी बहुत बड़ी गाड़ियों का, अच्छी अच्छी महंगी गाड़ियों का एक फ्लीट हो जाए, बहुत बड़ा भूखंड, बहुत जमीन मेरे पास हो जाए, मैं इंडस्ट्रीज का मालिक हो जाऊं, नहीं। अगर ये सोच है, अगर ये महत्वाकांक्षा है तो फिर आप राजनीति में आने के लिए फिट नहीं। ये बिजनेस वालों को करना है, ये राजनीतिक क्षेत्र में आने वालों को नहीं करना है। तो शुद्ध संकल्प के साथ आए, सादगी की भावना के साथ आए। मैंने 2007 में पहली बार चुनाव जीतने के बाद जो वैगनार खरीदी थी, आज भी उसी में चलता हूं। बहुत लोगों ने कहा बदल दो इसको, मेरा मन नहीं माना। जब हम कपड़ा खरीदते हैं, पेंट शर्ट खरीदते हैं तो उसको पेंट के साथ मैच करते हैं। अपने व्यक्तित्व को जो राजनीति में है उसको भी मैच करना चाहिए कि मेरे क्षेत्र का जो गरीबतम व्यक्ति है क्या मेरा व्यक्तित्व उसके साथ मेल खाता है? क्या गरीब से गरीब व्यक्ति मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख करके मेरे साथ अपना दर्द जो है वो शेयर कर सकता है? तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, शादी की भावना के साथ है, शुद्धता की भावना के साथ है, गांव और गरीब की सेवा करने की भावना के साथ आए तो आपका इस क्षेत्र में स्वागत है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आज का विषय भी है यहाँ पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ओनली फॉर 1 मिनट। तो ये, और कई बार टू पुट पॉइंट अक्रॉस 1 सेकंड भी बहुत होता है, और घंटों लगे रहे तब भी कोई बात समझाने में भी समस्या आती है। इस गौरवपूर्ण एक क्षण, 1 मिनट को मुझे देने के लिए मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे लिए निश्चित तौर से बड़ा गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद।